हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो वैकेंसी आया है वो दो तीन कंट्री के लिए है और आप लोग से बस एक ही यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग जो वीडियो आखिरी तक देखना, आपके लिए जरूर कुछ इसमें मिलेगा। ओके, या तो वैकेंसी आपके लिए मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे। मैं इस वीडियो में बहुत चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, तो आप लोगों से बस गुजारिश यही है कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर आप नए व्यूअर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो दोस्तों अभी जो मैं फिलहाल पहला जो वैकेंसी बताने वाला हूँ जिसमें कि वो जो है वो दुबई कंट्री के लिए है और वो जो है सीबी सिलेक्शन है। सीबी सिलेक्शन बोले तो आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जाके उस एजेंसी में, वहाँ पे जाके ऑफिस में आपको जो है अपना सीवी और अपडेटेड सीवी, पासपोर्ट कॉपी और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो, पढ़ाई लिखाई जो भी आपने किया है उसका आपको जो है कॉपी आपको पहले सबमिट करना है या फिर आपको पहले मेल करना है। ओके, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे आप सीवी मेल भी कर सकते हैं और जाके डायरेक्ट आप ऑफिस में भी दे सकते हैं। ओके, दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। ओके, तो अभी मैं आपको पहले वैकेंसी बता दूँ कौन कौन सी है। दुबई की है, सीवी सिलेक्शन है। पहला जो है उसमें वो है मेसन का। अगर आपने मेसन डिपार्टमेंट में कहीं पे काम किया है एज अ मेसन तो आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है फिर भी आप इसमें दे सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इसमें दे सकते हो। अगर आप सपोज डेट फ्रेशर हो फिर भी आप इसमें जो है एज अ मेसन अगर आप जाना चाहते हो, सिविल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो तो आप इसमें आसानी से आप जा सकते हो। उसके बाद है दोस्तों कारपेंटर का, जो कि आपको मैं बता दूँ कारपेंटर में जो है वो सैलरी जो है वो 1200 प्लस ओवर टाइम है। ये जो है आपका ये मतलब कि आप 20 से मल्टीप्लाई करो उतना इंडियन मनी हुआ प्लस आपका ओवर टाइम है, तो काफ़ी अच्छा खासा आपका सैलरी बन सकता है। ओके, तो उसके बाद है दोस्तों जिप्सम कारपेंटर का। पहला जो था वो फर्नीचर कारपेंटर का था, अब जो है वो जिप्सम कारपेंटर का है। जिप्सम कारपेंटर में भी सैलरी सेम है प्लस आपका ओवर टाइम है, रहना खाना मतलब एकोमोडेशन फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन तीनों चीज़ जो है वो आपको कंपनी की तरफ से है, प्लस मेडिकल जो है वो भी आपका कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। ओके, ये जो है दोस्तों फिर से अब मैं आपको बता दूं कि ये सीवी सिलेक्शन है, ये जो है आपका इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको सीवी, आपके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेंड करना है या फिर डायरेक्ट जाके आप ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। और कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, हर चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके हमसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा गल्फ नौकरी ग्रुप का। उस ग्रुप में कुछ भी मैसेज करके उसमें उसके एडमिन से आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों बस ड्राइवर का। बस ड्राइवर में दोस्तों एक ये है कि आपके पास जो है लाइसेंस जो है वो 356 नंबर का जो है वो आपको लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका 2500 प्लस ओवर टाइम है, तो अगर आपके पास, आपने अगर दुबई में जॉब किया है, अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप इसमें जाके इंटरव्यू में दे सकते हो। ओके, तो ये रहा दोस्तों कि एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही इसमें इंटरव्यू दे सकता है। उसके बाद दोस्तों हैवी मशीनरी ऑपरेटर के लिए। हैवी मशीनरी ऑपरेटर में भी आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने कोई भी हैवी मशीनरी ऑपरेट किया हो तभी आप जाके इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। और कि ऑपरेट किया है उससे मतलब नहीं रखता है, ऑपरेट किए हैं वो भी और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद दोस्तों क्रेन ऑपरेटर का। क्रेन ऑपरेटर में भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी होगा, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, यहाँ पे आकर वो आपको कंपनी बनवाएगी। ओके, उसके बाद दोस्तों पेंटर का है। पेंटर में जो है सैलरी वो 1100 प्लस ओवर टाइम है, जो कि आपको ओवर टाइम लेके बहुत अच्छा खासा आपका सैलरी बनेगा। अगर आप एज अ पेंटर जाना चाहते हो, अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप जाके डायरेक्ट आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद है दोस्तों हेल्पर का। अगर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं कर रखा है, ना आपने 10th किया, ना आपने 12th किया, कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है और सिर्फ आपके पास पासपोर्ट है, आप जाके इसमें आप इंटरव्यू दे दोगे एज ए हेल्पर। आपका होगा 900 प्लस, इसमें ओवर टाइम है, आपका इसमें भी अच्छा खासा सैलरी आ सकता है। ओके, तो इसका जो सीवी आपको दोस्तों मेल करना है वो आपको मैं बता दूं कि दो तीन जगह आप मेल कर सकते हो, या तो दिल्ली कर सकते हो, चेन्नई कर सकते हो, या फिर कटक। ओके, तीनों जगह में आप किसी भी जगह पे जो भी आपके नज़दीक पड़ता है, दिल्ली नज़दीक पड़ता है तो आप दिल्ली वाले ऑफिस में भेज सकते हो, चेन्नई नज़दीक पड़ता है चेन्नई वाले ऑफिस में भेज सकते हो, कटक वाले नज़दीक पड़ता है तो आप वहाँ भी आप भेज सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसी था वो इसमें जो भी है दोस्तों 8 घंटा ड्यूटी है प्लस आपका ओवर टाइम है। ओके, इसमें दोस्तों मैंने आपको वैकेंसी बताया मेसन का, फर्नीचर कारपेंटर का, जिप्सम कारपेंटर का, बस ड्राइवर का, हैवी मशीन ऑपरेटर का, क्रेन ऑपरेटर का, पेंटर का एंड हेल्पर का।
जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए आपको कमेंट करना है, कमेंट करो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं आपको उसका फुल डिटेल दूंगा। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक डाल रखा है, उस व्हाट्सअप लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप मेरे साथ डायरेक्ट आप व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे गल्फ नौकरी ग्रुप में। ओके तो इतना दोस्तों ये रहा। अब जो वैकेंसी बताने जा रहा हूँ वो है ओमान के लिए। इसका जो इंटरव्यू चलेगा वो इसी महीने की 5 तारीख को इसका इंटरव्यू चलेगा। वो भी इसका इंटरव्यू जो है वो आपको मुंबई में है। बहुत सारे पोस्टों की वैकेंसी है। ओके और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में आपको जाके इंटरव्यू देना है। अगर उससे पहले आप 1-2 दिन पहले अगर आप अपना जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप 3, 4 या फिर 5 को जाके, कभी भी 3 को या फिर 4 को या फिर 5 को कभी भी जाके आप डॉक्यूमेंट्स पहले आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको इंटरव्यू देने में आसानी रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहले से सबमिट रहेगा। वहाँ पे अगर भीड़ लगती है तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका होता है। ओके तो इसमें बहुत सारी पोस्टों की है। ये भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ओके तो इसका मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही अर्जेंट इसका रिक्वायरमेंट है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सैलरी भी है काफ़ी अच्छा खासा लगेगा। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी जाके आप ट्राई करो इसमें, अगर एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप जाओ इसमें। ओके लेकिन फ्रेशर हो, आपके घर के नज़दीक अगर पड़ रहा है, आप अगर वहाँ पर जा सकते हो तो आप जाके एक बार आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। ओके तो इसमें है दोस्तों पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है, तो आप इसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के रूप में, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको ENDI में यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जाके जो है एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो, बशर्ते आपके पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का। उसके बाद दोस्तों प्री कमिश्निंग इंजीनियर का, एक होता है कमिश्निंग, उसके बाद होता है प्री कमिश्निंग। तो ये जो है वो है प्री कमिश्निंग डिपार्टमेंट का, जो कि प्री कमिश्निंग इंजीनियर का। अगर आपने कहीं भी इंडिया में या फिर किसी भी दूसरे कंट्री में कहीं भी अगर आपने प्री कमिश्निंग डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर आपने काम किया है तो आप इसमें जाके प्री कमिश्निंग इंजीनियर में आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके उसके बाद है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेयर का, जो कि अगर आपने पाइपिंग डिपार्टमेंट में एज ए क्वांटिटी सर्वेयर का काम किया है तो आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। या फिर स्टील स्ट्रक्चर, आपने स्टील स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में क्वांटिटी सर्वेयर का काम किया है तो उसमें भी आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम किया है तो भी आप इसमें जाके दे सकते हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का है। आपने अगर काम किया है क्वांटिटी सर्वेयर का तो आप इसमें जाके इंटरव्यू आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों वेल्डिंग फोरमैन का, अगर आपने वेल्डिंग डिपार्टमेंट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इसमें फ्रेशर बंदा नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब भी आप जाके इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हो एज अ वेल्डिंग फोरमैन के रूप में। ओके उसके बाद दोस्तों इसमें जो है वेल्डिंग फोरमैन का मैंने बता दिया। उसके बाद है वेल्डिंग चार्ज हैंड का, चार्ज हैंड भी अच्छा पोस्ट होता है, उसमें भी आपको सैलरी जो है काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। ओके उसके बाद दोस्तों पाइप फिटर का, अगर आपने इंडिया में भी पाइप फिटर का काम किया, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट जो है पाइप फिटर में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों पाइप फैब्रिकेटर का, अगर आपने पाइप फिटर में 2-3 साल टाइम दिया है, अगर आपने काम किया है, काम सीखा है, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर पाइप फैब्रिकेटर में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर में भी आप दे सकते हो। ओके उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इरेक्शन डिपार्टमेंट में भी दे सकते हो। एंड रिगर, अगर आपने रिगर का काम किया, अगर आपके पास रिगर का कोई भी कार्ड है Level 1, Level 2 का, तो आप दे सकते हो। अगर नहीं भी काम कार्ड है आपके पास Level 1, Level 2 का थर्ड पार्टी का, तो भी आप इसमें जाके इंटरव्यू आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी और बहुत सारी वैकेंसी है, उसमें से काफ़ी मैं ऐसी पोस्टों के बारे में बता रहा था। तो अभी जो मैं बता रहा था दोस्तों वो ओमान के लिए वैकेंसी में बता रहा था, और अभी और उसकी जो है वैकेंसी अभी बची हुई है वो भी मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पे इंटरव्यू देने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अगर कोई लगता है, कोई मांगता है तो आप वहाँ उसको साफ मना कर दो। अगर आप उसको देते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। ओके क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मैं अपने ग्रुप में भी बोलता हूँ कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता, जब तक आपका फ्लाइट का टिकट नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी ऑफिस को ऑफिस चार्ज आप पे नहीं करेंगे। ओके और बहुत सारा वन जो है फ्री भी आता है, उसमें आप पूछ लो। इंटरव्यू देने के बाद आप
जाके एजेंसी से ये पूछो कि उसका क्या चार्ज है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो आप देखो। लेकिन जब तक वीजा ना आ जाए तब तक आप किसी को भी एक भी रुपया आप पे नहीं करोगे। ओके, तो ये रहा। उसके बाद जो वैकेंसी है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का। इलेक्ट्रीशियन में भी पाइप फिटर का है, इंस्ट्रूमेंट फिटर का है एंड पाइप वेल्डर का है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एज ए पाइप फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर या फिर रिगर के रूप सॉरी पाइप वेल्डर के रूप में जाना चाहते हो तो आप इसमें जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों PWST टेक्नीशियन का, मिल नाइट फिटर के लिए। मिल नाइट फिटर में अगर आपने कहीं भी काम किया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मिल नाइट फिटर का ज़्यादा उतना कोई काम नहीं होता है। अगर आप एज ए फ्रेशर भी जाना चाहते हो तो पहले आप एक बार 2-3 वीडियो देख लो कि मिल नाइट फिटर का क्या काम होता है, उससे क्या काम लिया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, आप थोड़ा सा जान लो, उसमें आप इजी वे में इंटरव्यू आप निकाल सकते हो। और ये जो दोस्तों जितना ही मैंने वैकेंसी बताया है उसमें जो है एकदम लार्ज, मतलब कि बहुत ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी, मतलब कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं जिसमें कि 50 से 100 के बीच में पोस्ट नहीं हो। ओके, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। तो आप लोग अगर जाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, आप अपना CV सबमिट करो, या फिर अगर आप CV नहीं सबमिट करना चाहते तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू के दिन 5 तारीख को जाओ, वहाँ देखो क्या होता है। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कॉमेंट करना है, और कॉमेंट करने से पहले अगर आप नए हो तो इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। एंड चलो वो तो दूसरी बात हो गई। आप जिस पोस्ट के बारे में भी, जिस पोस्ट का भी आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पोस्ट का नाम लिख के आप कमेंट करो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, आप उस व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे साथ आप गल्फ नौकरी ग्रुप के व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। और ऐड होने के बाद आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कुछ भी इंक्वायरी होती है, आप जाके डायरेक्ट जो है वो आप एडमिन से आप जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। ओके, तो आप वहाँ पे मैसेज करो, मैं वहाँ का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हर चीज़ आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, उसके बाद दोस्तों एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है UAE के लिए, जो कि पहला जो पोस्ट है वो है UAE बोले तो दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरात होता है, जो कि इसका इंटरव्यू 5 तारीख को दिल्ली में चलने वाला है। और उसका जो पोस्ट है वो पहला है HVAC टेक्नीशियन के बारे में। HVAC टेक्नीशियन, अगर आपने ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप HVAC टेक्नीशियन में जा सकते हो। अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया है HVAC डिपार्टमेंट में तो आप EGV में इसका इंटरव्यू भी निकाल सकते हो। इसमें टोटल जो है वो 35 पोस्ट हैं। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का, अगर आपने इंडिया में या फिर कहीं भी किसी भी जगह एज ए इलेक्ट्रीशियन आपने काम किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन में क्या है दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक से ITI या फिर डिप्लोमा किए हो, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो जाके आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हो। और इसका इंटरव्यू मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसी महीने की 5 तारीख को इसका इंटरव्यू होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। ओके, तो आप लोग अगर इसमें से किसी भी पोस्ट पे अगर आप ये लग रहा है कि मैं इसके कैटेगरी को फिल कर रहा हूँ, मैं इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे लिए ये ज़रूरत है, तो आप उस पर अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डेजिग्नेशन लिखो कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और किस कंट्री के लिए, क्योंकि अभी मैंने 2-3 कंट्री के लिए डाला था, UAE के लिए, ओमान के लिए और सऊदी अरब के लिए। तो आप मेरे को ये भी थोड़ा सा मैसेज कर देना कि किस कंट्री के लिए, मैं आपको वहाँ का फुल डिटेल दूंगा। ओके, इसी महीने की 5 तारीख को इसका इंटरव्यू चलेगा। ओके, तो ये हो गई पोस्ट की बात, मतलब कि वैकेंसी की बात। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप कहीं भी किसी भी जगह अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको इंटरव्यू का कोई भी पैसा चार्ज पे नहीं करना है। ऑफिस का पैसा अगर कोई चार्ज करने को बोलता है इंटरव्यू से पहले तो आपको नहीं पे करना है। अगर किसी का ऑफिस चार्ज भी है तो आप उसको बोलो कि जब तक मेरा वीज़ा नहीं आ जाता मैं आपको एक भी रुपया पे नहीं करूँगा। ओके, तो जैसे ही आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा, वीज़ा वगैरह आपको दिखा देगा, पासपोर्ट वगैरह मतलब टिकट्स वगैरह दे देगा, तो उसके बाद आप जैसे भी बातचीत आप उससे करो आप उसको पे करोगे। ओके, तो और जो भी लड़के आपके साथ इंटरव्यू देंगे उसका भी थोड़ा आप नंबर वगैरह ले लेना, ताकि आप दोनों एक दूसरे से कम्बिनेशन बनाए रखना कि किसके साथ क्या हो रहा है। ओके, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करना, अगर आपके लिए इसमें नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में करो कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, उसके बारे में वैकेंसी आएगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो जो है दूसरा बना के इस पर डालूंगा। ओके, अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो,
और लाइक करना तो कतई मत भूलो।